देखिए इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खगड़िया सीट से एलजेपी रामविलास पासवान की उनकी जीत हुई है। राजेश वर्मा ने संजय कुमार को हराया है। देखिए अब धीरे धीरे नतीजे सामने आते हुए मैं बात कर रही थी कि अगर 250 के आसपास एनडीए का आंकड़ा रहता है तो सरकार बनाने में कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी एनडीए को, लेकिन एन फैक्टर बहुत काम करने वाला है, ये एन फैक्टर नीतीश और नायडू पार्टी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 302 सीटें थी बीजेपी को पिछले दफे, प्रचंड बहुमत, एनडीए के किसी पार्टनर की जरूरत नहीं थी बीजेपी को। आपको याद होगा कि जदयू को जो उसका हक था नहीं मिला, जदयू चाहती थी कि दो मंत्री उसके कैबिनेट में शामिल हों, लेकिन बीजेपी ने फैसला लिया कि सांकेतिक रूप से सिर्फ एक को जगह देंगे। परिणाम हुआ कि जदयू ने शामिल होने से इनकार कर दिया। बाद में फिर जब वो नौबत आई तो उसमें आपने देखा होगा कि नीतीश चाहते थे कि आरसीपी और ललन दोनों जाएं, आरसीपी चले गए, परिणाम हुआ कि जदयू में जो टूट हुई उसका परिणाम आपने देखा। मैं इसे कंटिन्यू करूंगी, हमारे सहयोगी स्वतंत्र जुड़े हुए हैं खगड़िया से, जरा उनसे जान लेते हैं। स्वतंत्र देखिए अब वहां पर जीत हुई है, अब एनडीए खेमे के लिए राहत की खबर एक और बिहार में। बिल्कुल कहा जा सकता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रत्याशी थे राजेश मड़वा, उनकी लगभग जीत सुनिश्चित है, बस आधिकारिक घोषणा बाकी है और इसको लेकर के यहाँ पे जश्न का माहौल है। लगभग 130,000 के आसपास जो है उस मार्जिन से उनकी जीत हुई है और सीपीएम के जो प्रत्याशी संजय कुशवाहा थे उनकी हार हुई है। तो एक तरह से कहा जाए कि खगड़िया में भी लोक जनशक्ति पार्टी ने जीत हासिल करने में सफलता हासिल की है। चलिए अब कार्यकर्ता वहाँ जश्न मना रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका स्वतंत्र। अशोक जी हम बात कर रहे थे एन फैक्टर की, आपने कहा कि पिछली बार जब प्रचंड बहुमत में आई थी तो एक सांकेतिक रूप से जेडीयू को जगह कैबिनेट में दी गई थी, लेकिन इस बार जेडीयू बराबरी के मूड में है। बिल्कुल, तो जब आप ये समझ लीजिए कि एक तो किसी दल को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और गठबंधन की सरकार होती है तो सरकार पर दबाव होता है, और आपने जो सवाल किया है अगर बीजेपी को 250 से कम सीटें आती हैं तो बीजेपी भारी दबाव में, और पिछले 10 वर्षों का अगर आप देखिए तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से मजबूती के साथ उन्होंने सरकार चलाई है और अपने घटक दलों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, आप कल्पना कीजिए और याद कीजिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना उनकी पार्टनर थी,